हाई एवरी वन वेलकम टू होप यू ऑल आर डूंगेल कैसे हैं आप सब आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो तो मुझे काफी ज्यादा क्वारीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की टेक्स्ट आ रहे हैं मेल्स आ रहे हैं कि हमें नेक्स्ट डेज में क्या करना चाहिए एंड करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट्स परेशान है कि कितना करें कितने मंथ तक कितना टाइम दे रिविजन कैसे करना है हमें आपकी नेक्स्ट मैराथॉन सीरीज कब आएगी ठीक है तो काफी क्वेरीज है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है हर किसी को अलग से रिप्लाई करना तो काफी स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई कर देती हूँ पर कई अनड मेल्स है मेरे जी बॉक्स में पर मेजोरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो अबाउट इट तो अगर आप आग प्रिपरेशन कर रहे हैं टेन फिफ्टीन मिनट्स की ब्रेक ले लें और ये थोड़ा सा वीडियो आप देखो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड थोड़ा बहुत आप मोटिवेट भी हो जाओगे तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिफोर स्टार्टिंग जैसे कि मैं हर वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ क्या तो अगर आप जेके एस की तैयारी कर रहे हैं ये एक चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इस इससे मैं अभी फिलहाल के लिए स्पेशलाइजेशन के कोर्स लेके आ रही हूँ लेकिन आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे जेके एस के जैसे आपका एन का एग्जाम होगा ठीक है या आपका कोई और कॉन्स्टेबल एग्जाम होगा फाइन तो आप हर एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर देखेंगे अगर आप जेके पी एस सी जो कि आई होप आप कर रहे होंगे उसकी प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि जनरल स्टडीज भी मैं कवर करवाऊंगी प्लस आपका जो सोशोलॉजी ऑप्शनल है ठीक है उसका वो मैं ऑलरेडी कवर करवा करवा रही हूँ एंड काफ़ी पोर्शन कंप्लीट भी हो गया है पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड पेपर की बी के बस कुछ ही यूनिट्स रहते हैं तो ये मैंने कहाँ से कर कवर करवाया है इसके लिए मैंने आपको प्रोवाइड की है नितिन सांगवान सर की जो बुक है ठीक है उसके वीडियोस वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं ये सारा आप मेरी चैनल पे बनी हुई प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और जेके एस में मैंने क्या क्या कवर करवाया है आपका स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है करंटली मैराथन कम रिवीजन सीरीज प्लस हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है हिस्ट्री कवर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया है ठीक है बाकी सब अभी जो आपके क्वेरीज है उनको एड्रेस करेंगे तो सिंस यू नो दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो कमेंट्स में आपको हार्ट के अंदर डॉलर वाला सिंबल दिख जाता है या आप चाहें तो आप वॉलेंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको मेरा यूपीआई आई पिन किया हुआ कॉमेंट सेक्शन में दिख जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो देखो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है अभी फिलहाल किस चीज़ की वजह से परेशान हैं पहले तो आ, वो ये उन मेजर क्वेरी है कि हम करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का पढ़े देखो पिछले कुछ दिनों से मैं आपके जेके एस के पेपर्स एनालाइज कर रही हूँ एंड जहाँ तक मेरा ये कहता है एक्सपीरियंस कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं ठीक है उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं करंट अफेयर्स में से कुछ क्वेश्चन आते हैं तीन चार क्वेश्चन हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए आपके टाइम पे आप इस बात पे रिलाई नहीं कर सकते लेकिन एक एनालिसिस जो है पीवाई क्यूज का वो इंपॉर्टेंट रहता है तो अगर आपका करंट अफेयर्स हो गया है आपने पिछले पांच छः सात आठ महीने कर लिया है फाइन लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो आई वुड से लास्ट के फोर फाइव और फोर टू फाइव मंथ्स जो है वो रिवाइज कर लो फाइन क्योंकि ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एंड नहीं है आपको करंट अफेयर्स की जो कवरेज है काफी एक्सटेंसिव मिलेगी ठीक है तो बहुत होता है करंट अफेयर्स उसमें कितना आप अभी पढ़ पाओगे आपको वो देखना है एंड देन आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना होता है कॉस्ट बेनिफिट कि आप कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हो एंड वहां से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं तो ये अभी ध्यान देना काफी जरूरी है इसीलिए आई वुड सजेस्ट चार पांच मंथ का रिविजन उतना मोर देन सफ मोर देन इनफ होगा ठीक है एंड अभी तक अगर आपने नहीं किया है करंट अफेयर्स ठीक या किया भी हो तो मैं भी करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें मैंने फोर टू फाइव मंथ्स जो है वो कवर किए हैं एंड मेजोरिटी जो करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन आते हैं वो या तो डिफेंस के रिलेटेड होते हैं या कोई गवर्नमेंट का जैसे कोई ऐप आ गई स्कीम आ गई वन लाइनर टाइप वैसे करंट अफेयर्स या मोस्टली स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं ठीक है तो इन तीनों पे मैंने करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ लास्ट के फोर फाइव मंथ्स आपको कल आज लेट इवनिंग आज तो अब चलो आज का दिन हो गया खत्म मोस्ट प्रोबेबली कल आपको आ, कल शाम तक इसका वीडियो करंट अफेयर्स का मिल जाएगा तो वहां से आप करंट अफेयर्स अपना कवर कर सकते हैं जिसने नहीं किया है और अभी तक उसको और भी चीजें करनी होंगी ऑब्वियसली तो वो उतना ही करे एंड जिसने अपना कर लिया है वो एक बार वो वीडियो देख के उस अपने नोट्स में चीजें ऐड कर सकता है ठीक है तो ये हो गया आपके करंट अफेयर्स का इश्यू अभी ऐसी गलती नहीं करना कि पिछले छह महीने साथ आठ महीने का करंट अफेयर्स लेके बैठे हो एंड बाकी सारा वहीं छोड़ा है क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको ये देखना है मार्क्स कितने आ रहे हैं जितने पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं तीन चार मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के वो आ रहे हैं ठीक है अब आपने बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है क्यों क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एंड सेकेंडली तीन चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन जीरो पॉइंट एट मार्क्स जीरो पॉइंट फाइव ये लास्ट में डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब कट ऑफ किया बिल्कुल ही करीब हो ना आधा आधा नंबर जीरो पॉइंट टू फाइव उतने नंबर के लिए भी आपको लड़ना पड़ता है तो इसीलिए आप क्या करोगे अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो मैं वीडियो लेके आऊंगी वो वीडियो एटलीस्ट आप कर लेना वहां से आपका क्वेश्चन स्पोर्ट्स का वगैरह एंड आई गेस एक दो क्वेश्चन तो वहां से आपके आराम से सॉल्व एग्जाम में हो जाएंगे ठीक है वो हो गया आपका करंट अफेयर्स वाला क्वेरी ठीक एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मैसेजेस करे जा रहे हैं कि मैम आपका मैराथन यूनिट फाइव कब आएगा आएगा भी कि नहीं आएगा ठीक है मैराथन यूनिट फाइव का देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा कि एंड से वीडियो पेंडिंग है उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरा यूनिट वन टू यूनिट फोर जो है आपका मैराथन प्लस आपका एमसीक्यू कवर्ड है तो जो टाइम मैं लेती हूँ नेक्स्ट मैराथन लाने में आपको वो टाइम यूटिलाइज करना है पुराने यूनिट्स को रिवीजन करने में ऐसा नहीं है मैं फाइव यूनिट लेके आऊंगी तो फिर उसके बाद आप यूनिट वन टू तो यूनिट फोर दोबारा रिवाइज करोगे नहीं जो स्टूडेंट ज्यादा ईगर है यूनिट फाइव के लिए आई एम अज्यूमिंग की उनका यूनिट वन टू तो फोर परफेक्टली रिवाइज है अगर नहीं है तो करो रिविजन करो ठीक है उसको टाइम को वेस्ट मत करो क्योंकि अगर लेट सपोज कल या परसों में आपका यूनिट फाइव लेके आती हूं तो क्या उससे क्या होगा यूनिट फाइव जल्दी लाने से आपका पुराना फिर से आपको नहीं रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तक आपको काफी रिविजन करने होंगे तो इसीलिए जो चीज मेरे एंड से पेंडिंग है उसकी आप टेंशन नहीं लो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ है लेक्चर्स तो हमारे सिलेबस सारा कंप्लीट है ठीक है वो हमारे सारे यूनिट्स कंप्लीट हैं मैं सिर्फ मैराथन कम रिवीजन की बात कर रही हूँ वो यूनिट फोर तक कंप्लीट है तो यूनिट फोर तक आप दोबारा से रिवाइज करो रिवाइज करते रहो करते रहो रिवीजन ही एग्जाम में आपको काम आएगा और अगर ये रिवीजन आपको इतना हेल्प करेगा ना एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप मेरे को दुआएं ही दोगे कि हाँ रिविजन वाकई में काम आया ठीक है तो जो टाइम आपको मिल रहा है मैराथन का जब तक नेक्स्ट मैराथन आता है यूनिट फोर तक रिवाइज करो रिवाइज आई वुड से एक दो तीन चार जितनी बार आप रिवाइज कर सको ना उतनी बार रिवाइज करो फाइन अब रही आपके एमसीक्यूज की बात यूनिट फाइव के एमसीक्यूज की ठीक है तो एमसीक्यू फॉर्मुलेट करने के लिए आपको मुझे भी थोड़ा टाइम देना होगा क्योंकि ये जो एमसीक्यूज है मैं कहीं से डायरेक्टली ऐसे उठा के आपको कुछ भी नहीं दे रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मुझे वीडियो बनाना है ठीक है मेरे वीडियो पे तो व्यूज आ रहे हैं फिर चाहे आपका काम हो या ना हो वो मेरा मकसद नहीं है ये जो एमसीक्यूज में बनाती हूँ ना चाहे अगर मैं किसी वेबसाइट से ही मैंने कोई एक, एक आधा क्वेश्चन किसी वेबसाइट से भी आपको दिया हो तो वो वो क्वेश्चन होगा जो आपके लिए रेलिवेंट होगा एग्जाम में आने के चांसेस होंगे एंड जिसके सारे ऑप्शन से आप कुछ ना कुछ सीखो ठीक है अदरवाइज मेजोरिटी मेरे एमसीक्यूज के लिए मैं पी डी एफ कंसल्ट करती हूँ अपना पी डी एफ कंसल्ट करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी कंसल्ट करती हूँ जो मेरे वीडियो लेक्चर्स में कुछ अगर नहीं कवर करवाया होगा वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं आपको एम सी क्यू से भी बताने की कोशिश करती हूँ ठीक है तो वो एम सी क्यूज के लिए आपको मुझे भी टाइम देना होगा टाइप करने होते हैं सौ दो सौ कितने सारे एम सी क्यूज मैंने अभी तक टाइप किए हैं आप सबके लिए ठीक है तो आपको क्वालिटी चाहिए ठीक है आपको बस जल्दी नहीं चाहिए जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है आपको एम सी क्यूज का भी क्या करना है कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी तो ये रहा आपको टेंशन नहीं लेनी है मैराथन भी आपको टाइम पे मिल जाएगा एमसी क्यू भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है मैं फिर से कह रही हूँ जब तक नहीं आता है तब तक रिवाइज करो पुराने जो एम सी क्यूज है वो रिवाइज करो अगर आपके पास कोई बुक है वहां से एम सी क्यूज जो है वो सॉल्व करो ठीक है एंड मेरे एम सी क्यूज आप देख सकते हो कभी भी जब भी आपका वीडियो आएगा एमसीक्यूज का आ ही जाएगा दो तीन दिनों में मैं अपलोड कर ही दूंगी आपका सारा जो भी वीडियो वगैरह रहते हैं तो बस कहने का ये मतलब है आपको टेंशन नहीं लेनी आप फालतू तो चीजों पे इस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करो कि मैम का वीडियो क्यों नहीं आ रहा मैम का वीडियो क्यों नहीं आ रहा एंड ये वाली मैसेजेस आप मुझे मत भेजो इसी वजह से ये वीडियो जो है आज का मैंने बनाया है ठीक है तो ये वाली क्वेरी भी आई हो आपकी एड्रेस हो गई हो एमसी वाली और जो क्वेरी मोस्टली आती है कि हमसे एमसी क्यू सॉल्व नहीं हो रहे देखो आपसे अगर एमसी क्यू सॉल्व नहीं हो रहे उसके दो रीजन है अगर कोई अगर वो फैक्चुअल एमसी क्यूज है ठीक है सिंपली जैसे Uh, अभी मैं अगर बोलूँ हाइपोगी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम हाइपोगी का क्या है अनुलोमा है या प्रतिलोमा है ठीक है इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी आप क्विकली रिकॉल करो अगर ये आपको रिकॉल नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपको फैक्ट्स नहीं याद रह रहे ठीक है अब अगर आपको पता ही नहीं है हाइपोगैमी क्या है दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है पहले ये चीज एनालाइज करो कि आपको फैक्चुअल प्रॉब्लम है कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है फिर जिस टॉपिक की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है आई वुड सजेस्ट उसका वीडियो आप एक बार ही फिर से देखो ठीक है वीडियो एक बार फिर से देखो और जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं या अगर आपने मेरी पीडीएफ को ही प्रिंट आउट करवाया है वो पीडीएफ सामने रखो और साथ में वीडियो चलाओ ठीक है और दोनों चीजें आप साथ एक बार देखो मैंने आपको क्या बोला था और आपने तब क्या समझा था उस चीज को दोबारा से आपको ब्रश ऑफ करने की जरूरत है ठीक वो आप दोबारा समझोगे एक बारी तो वैसे करके क्या होगा आपकी जो कंसेप्चुअल वाली चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी अगर सिर्फ फैक्चुअल प्रॉब्लम है जैसे आपको याद नहीं रह रहा है आपको पता है अनुलोमा क्या होता है आपको पता है प्रतिलोमा क्या होता है एंड आपको पता है हाइपोगैमी क्या होता है लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा है ये अनुलोमा है या प्रतिलोमा है दैट मीन्स आपको फैक्ट जो है मेमोराइजेशन प्रॉब्लम है तो क्या करोगे उसके लिए उसके लिए आपको सिंपली आपको पता है कि आपको सिर्फ रिवीजन की प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्चुअल की प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको वीडियो दोबारा नहीं देखना है आपको अपने नोट्स दोबारा रिवाइज करने हैं एंड रिवीजन की क्या टेक्निक्स हैं पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं मैंने बहुत अच्छी टेक्निक्स आपको रिविजन की बताई है इफेक्टिव वेज टू रिवाइज ठीक है वो वीडियो एक बार फिर से देख लो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो देखो उसमें मैंने आपको बताया कि आपको रिटेन करने में कैसे आसानी होगी चीजें याद रखने में एंड रिकॉल करने में कैसे आसानी होगी ठीक है वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना वो काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए Fine. तो यहां से हो गया आप ऐसे करके एनालाइज करो जो अभी तक चार यूनिट्स कर तो बस ये एनालाइज करने की कोशिश करो प्रॉब्लम किस चीज की वजह से है फैक्चुअल प्रॉब्लम है या आपको कंसेप्चुअल है फैक्चुअल प्रॉब्लम है तो रिविजन रिवाइज मोर एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो देख लो एंड नोट्स अपने सामने रखो जो आपने बनाए होंगे या मेरे प्रिंटआउट किए होंगे एंड वो वीडियो देख देख के एक बार जस्ट क्विकली गो थ्रू गो थ्रू दो नोट्स से आपके कॉन्सेप्ट जो है दोबारा क्लियर हो जाएंगे ठीक ये हो गया एमसीक्यू एनालिसिस अब है बात कि आपको आगे क्या करना है आपको अब रिविजन आगे कैसे करनी है ठीक है तो हम आगे है फिफ्थ जून दैट मीन सिक्स जून टू फिफ्टींथ जून आपके पास टेन डेज है टेन डेज आप क्या करोगे रिवाइज करो जितना अभी तक पढ़ा है उतना रिवाइज करो बीच में मेरा मैराथन भी आएगा उसमें जैसे यूनिट फोर आप यूनिट वन टू फोर रिवाइज कर लो पहले दो तीन दिन ठीक है तब तक मेरा यूनिट फाइव भी आ गया होगा फिर यूनिट फाइव भी रिवाइज करो साथ में उसकी एमसीक्यू भी आ जाएगी तो उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करो तो वो दस दिन आपको सारा उस पर रखना है उसके बाद फिफ्टींथ uh, हो गया फिर सिक्सटीन सेवनटीन एटीनथ दोबारा से एमसीक्यूज कर लो ठीक है दोबारा क्वेश्चन देखो हालांकि अगर आपने एक बार एमसी क्यूज कर लिए हैं तो फिर डोंट गो ओवर बोर्ड की बस एम ही करते जाओ ठीक है रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर मतलब एम है इंपॉर्टेंट क्योंकि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि आपने जो रिवाइज किया है जो पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं मेजर मेन तो वही मकसद है पर आई आई एम अज्यूमिंग आप उस कैटेगरी के हो जिसने एम एक दो बारी दो चार पांच बारी कर लिए हैं ऑलरेडी तो अगर नहीं भी किए हैं या चलो किए भी हैं आप बच्चों का बहुत लगाव होता है एमसीक्यू सॉल्व करने से जो कि अच्छी बात भी है

वट काइंड प्रॉब्लम यू आर फेसिंग वाई सॉल्विंग एमसीक्यूज इफ इट्स ओनली प्रॉब्लम तो रिवाइज मोर इफ इट्स आपको वीडियो देखने वॉच वीडियोज एंड योर नोट्स री योर नोट्स ठीक है ताकि आपको क्या हो जाए ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट सेट एव टू इन द क्लास ऑलरेडी तो आपको वो चीजें करनी है एंड सिक्सटीन तक आपने आई होप की आपने की होगी ऑलरेडी ये उसके लिए जिसने नहीं की है तो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन फिर से एमसी करो एंड लास्ट के जो चार दिन है ना इनमें एमसी नहीं करना मेहरबानी करना थीके? ये दिन सिर्फ रिविजन के लिए दे दो एंड मेरा वो वीडियो हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व ये सॉरी हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली वो जरूरी देख लेना ठीक एंड लास्ट एंड फाइनल इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डाउट आपको किसी क्वेश्चंस को लेके है ना आपको समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है तो इस टाइम पे आप गूगल के पीछे नहीं पढ़ो कुछ नहीं करो आपको क्या करना है सिंपली मैं अपना टेलीग्राम जो है कुछ दिन के बाद थोड़े टाइम के लिए पब्लिक कर दूंगी अपना टेलीग्राम ग्रुप ठीक है तो आप क्या करोगे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करोगे तो उसके बाद आप दो तीन दिन तक आएगी आगे पब्लिक ही रखती हूँ आप तब तक सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा कोई फैमिली डिस्कशन नहीं होगा किसी का कोई ये नहीं होगा कि टाइम कम रह गया एंड ऑल दैट थिंग कुछ नहीं बोलोगे हाय हेलो किसी को कुछ नहीं करना है बस आपको क्वेश्चन पोस्ट करना है जब क्वेश्चन एक क्वांटिटी के बन गए होंगे ठीक है तो मैं एक डाउट सॉल्विंग वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि इतना टाइप करना हर किसी को रिप्लाई करना कमेंट्स में समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बीच में कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ एंड मैं थोड़ा शॉक हो जाती हूँ कि आपको ये डाउट कैसे आ सकता है मैंने इतनी अच्छे से क्लास में कोई चीज एक्सप्लेन करी होती है एंड वो पिछले कुछ दिनों में मुझे ज्यादा ही फीलिंग आ रही है कुछ क्वेश्चन लोगों ने ऐसे पोस्ट किए थे पर आप वो चीज छोड़ो आपको क्या करना है मैं आपके सारे डाउट जितने भी हैं डाउट सॉल्विंग वीडियो लेके आऊंगी उसमें वो जो क्वेश्चंस है वो एड्रेस होंगे ठीक है तो टेलीग्राम अगर मैंने दो दिन तक टेलीग्राम आपका पब्लिक नहीं किया है तो जिनके पास मेरा ईमेल आईडी है मुझे एक रिमाइंडर दे देना क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस टाइम चीजें भूल भी जाती है एक रिमाइंडर करवा देना मुझे एक दो दिनों में मेरे आई डी मुझे मेल कर देना की मैम मैंने पब्लिक नहीं करा है टेलीग्राम को तो मैं वो कर दूंगी जहां पे आप क्वेश्चन पोस्ट करोग उसका मैं एक वीडियो लेके आऊंगी अभी आपको अगर कोई भी डाउट है टाइम वेस्ट मत करो उस पर रिसर्च करने में

एंड उसके बाद टाइम परमिट्स मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन दो तीन वीडियोज में वो कवर हो जाएगा वो एम सी क्यू में मैं लेके आऊंगी अगर एम सी क्यू में नहीं भी लेके आई कोई टाइम लाइन कोई एक कॉन्सेप्ट बना के वो उसका भी रिविजन में कोशिश करूंगी आपके लिए मैं कर लेके आऊँ टाइम पे ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने प्लान की है लेके आने की इनशाला इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान तो ये सारा उसका एक स्कीम रहेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया है ठीक है तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो टेक केयर रिवाइज वेल दो में याद रखना एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इस टाइम पे पैनिक नहीं होना पानी ठीक से पीना एंड ज्यादा जंक नहीं खाना क्योंकि जंक से क्या होता है आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है कुछ टाइम के लिए अगर हाई हो जाएगी आधे घंटे के लिए लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है फाइन कैफीन का इंटेक ज्यादा नहीं करना उससे भी इंसान को लगता है कॉफी से काफी टाइम तक जागता रहूंगा पर वो नहीं होता है लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है बस बॉडी को हाइड्रेट करो पानी बहुत ज्यादा पियो ताकि आप आराम से काफी आवर्स तक बैठ पाओ तो अपना जो आवर्स है जो आप पढ़ाई के लिए देते हो अगर पांच देते थे तो उसको सात बनाओ सात देते थे उसको नौ घंटे बनाओ ठीक है एंड इन दोनों बस लग जाओ मेहनत करो इन दोनों आपको काफी ज्यादा जो है मेहनत की जरूरत है लास्ट के दिन बचे हुए हैं बीच में और एक वीडियो ऐसे लेके आऊंगी ताकि आप जल्दी आपको पेपअप करने के लिए तो बाय टेक केयर बाय